हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में डीवीडी टेक्निकल सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जिस तरह हम जो भारत सरकार ने जो आधार कार्ड के अंदर कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना बहुत ही अनिवार्य कर दिया है और ये तीन चार महीनों से चल रहा है, लेकिन इसकी लास्ट दिनांक है जो 30 जून रखी गई है। लेकिन फिर भी अगर आप आधार से कोई भी एक दस्तावेज अपडेट नहीं करते हैं आधार में, तो आपको पैन कार्ड की तरह 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको पता ही है कि पहले भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना था और बिल्कुल फ्री था, फिर सरकार ने 500 रुपये किया और फिर बाद में अभी 30 जून तक 1000 रुपये है और उसके बाद सीधा 10000 रुपये की राशि कर दी जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है कि आप आज ही घर बैठे अपने आधार कार्ड को अपडेट जरूर करना है और कोई भी एक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको घर बैठे कैसे करना है बिल्कुल फ्री है फिलहाल। तो जो पहले 25 रुपये जो फीस थी वो भी अभी गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है, 2 महीने हो गए इस बात को। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है UADAI। और यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपरी ऑफिशियल वेबसाइट है आधार वाली, इस वेबसाइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश के बारे में जो भी भाषा आपको चाहिए वो भाषा सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर इस एड को कट कर देना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और ये जो इमेज है वो यहाँ पर डाल के सेंड OTP का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही हम कैप्चा फिल करेंगे तो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और OTP डालने के बाद आपको लॉगिन वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आधार कार्ड का, यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका आधार कार्ड का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर कॉर्नर में आपका फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट। आप देख सकते हैं 14/6 तक ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और 14/6 के बाद इसमें पेमेंट लगने वाला है। और पेमेंट कितना लगने वाला है वो आपको पता ही है, कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर हमने देख सकते हैं नीचे डॉक्यूमेंट अपडेट यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रेस कर देना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर आपका नाम पता पूरा शो हो जाएगा। यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी एक दस्तावेज अपलोड कर देंगे। दस्तावेज में आप देख सकते हैं जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, किसान फोटो, बैंक की डायरी हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, लाइट बिल हो गया, जाति प्रमाण पत्र, कुछ भी आप यहां पर, स्कूल का सर्टिफिकेट, कुछ भी आप यहां पर अपलोड कर देंगे। जो भी आपको अपलोड करना है इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हैव व्यू एंड अपलोड डिटेल्स के इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपने गैलरी से उठा के इसमें डाल देना है। और सेम दोनों में यही प्रोसेस है और इसके बाद आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर प्रेस करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा। और इसका स्टेटस आपको मैंने बता ही दिया कि स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट का स्टेटस है वो कंप्लीट बता रहा है। अभी मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैंने यहाँ पर ये नहीं किया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।